सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन समारोह का आयोजन संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने मौजूद लोगों को यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन करने की शपथ दिलाते हुए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए रवाना किया। इतने लोग ले रहे हैं, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जोर से नीचे तो नियमों का पालन करेंगे और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम वयस्क वयस्क होने के पश्चात स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट इत्यादि नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। नियमों के साथ साथ कोरोना महामारी एवं नारी सशक्तिकरण एवं उस पर सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग ना करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। खतरनाक ढंग से वाहन ना चलाएं। क्षमता से अधिक माल एवं यात्री ना ढोएं। नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। यातायात संघ इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के जो महत्वाकांक्षी योजना है, किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना, उस दृष्टि से जागरूकता पैदा करने के लिए अभी तक हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया करते थे, अब हम इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाने जा रहे हैं। पूरे एक माह पर्यंत कार्यक्रम चलेगा और हम लोग नज़र रखेंगे इस पर। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यह खाली कागजी कार्यक्रम विभागों का बन करके न रह जाए। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, 1.5 लाख मौतें और स्वस्थ लोगों की मौतें, नौजवानों की मौतें, वो जो आय कर सकते हैं और वो जो देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम सड़क सुरक्षा में सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। इन मौतों को रोकना होगा, देश का भविष्य इससे जुटा हुआ है और इसलिए हम लोगों ने टास्क दिया है अपने अधिकारियों को। इन टास्क के ऊपर हम इन अधिकारियों का मूल्यांकन करेंगे। हमारे नागरिक कितने जागरूक हुए हैं, हमारे नौजवान सड़क कानूनों को लेकर कितने प्रशिक्षित हुए हैं, हमारे अपने जनपद में, हमारे अपने क्षेत्र में कहां कहां एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हो सकते थे, हमने उनको ठीक करने का कितना प्रयास किया है। जो लोग बिना लाइसेंस बनाए, बिना हेलमेट के ओवर स्पीड करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए, तीन सवारी बैठाते हुए, जो विभिन्न नियमों के उल्लंघन होते हैं, उल्लंघन करने वालों के प्राविधान है कानून में लाइसेंस जब्त करने के, हमारे अधिकारियों ने कितनी ईमानदारी के साथ काम किया है, खाली धमकी देकर पैसा वसूल करके उनको छोड़ दिया है या वस्तुतः उनको सजा देने का काम किया है।